भैया, आपके गांव में जब ये खदानों में ब्लास्टिंग हो रही थी तो किस तरह से परेशानी हो रही थी आप लोगों को? जब हमारे गांव में ये क्रेशर वालों के द्वारा पे जो पत्थरों की खुदाई के लिए ब्लास्टिंग कर रहे थे, तो गांव के काफ़ी नज़दीक खदानें लगने की वजह से क्या होता था कि जैसे ये ब्लास्टिंग करते तो जैसे भूकंप के एक वाइब्रेशन आता है, कंपन, उसी की तरह बिल्कुल पूरे कांपते थे। और हमारे जो गांव है दादा सिंहुड़ी में, यहाँ पे कच्चे मकान हैं, खपड़े वाले हैं, तो कभी कभी ये होता था कि कच्चे घरों के गिरने की शंकाएँ हमेशा बनी रहती थी। सारे गांव वालों को बहुत परेशानी थी, जिसमें गांव में कंपन भी आ जाता था और सारे दीवारों में दरार आ गए हैं। और हमारे यहाँ जो कुआं नल है वहाँ का जो स्रोत एकदम नीचे चला गया है। पानी की भारी समस्या होने के कारण हम लोगों ने वहाँ खदान में सारे गांव वालों के सहयोग, जिसे ग्राम सभा कहते हैं, तो हम ग्राम सभा के माध्यम से इस खनन को रोका है। और हम कई बार जाके इन्हें मना भी किए, रोके हमारे सारे गांव वालों ने, महिला पुरुषों के सहित में। तो और हमने आवेदन भी किया, ब्लॉक में किया, SDM कार्यालय में, और इस यहां से लेकर के हम कटनी कलेक्टर यहां तक हमने आवेदन किया है कि हमारे गांव वालों को हमारे यहां खनन पे ये परेशानियां हैं, इस कारण से इसे रोका जाए। तो अब इस समय ब्लास्टिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा? इस समय ब्लास्टिंग है, लगभग 3-4 महीने से इस समय नहीं हो रहा है, ब्लास्टिंग का काम रुक गया है। आवेदन के माध्यम से, सरपंच सचिव के माध्यम से उन्होंने आवेदन दिया, और आवेदन दे करके उन्होंने तहसील कार्यालय गए, सब लोगों ने, गांव के सब लोगों का सहयोग के माध्यम से, और उन्होंने जाकर वहाँ पे ज्ञापन दिए, अपनी जो जानकारी दी कि ऐसी ऐसी समस्या है। और गाँव में सामूहिक रूप से आकर हम लोगों ने, सब गांव वालों ने सचिव सरपंचों के साथ मिलकर के ये पानी की समस्या, ये ब्लास्टिंग की जो समस्याएं हो रही थी ब्लास्टिंग की वजह से, उसको देख करके सब लोगों ने विचार विमर्श करके क्रेशर आकर सब लोगों ने उनसे बातचीत की और उस पर बात की कि भाई हमारे यहाँ पे पानी की जो काफ़ी समस्या हो रही है। और गाँव के सब लोगों ने बिल्कुल पीछे नहीं हटे और हम लोगों ने प्रयासरत करते रहे, संघर्ष करते रहे, तो कहीं ना जाकर फिर इसमें हमें कामयाबी मिली है। तो भैया, किस तरह से आपको आपके गांव का व प्रशासन का व ग्राम पंचायत का सहयोग रहा, और आप उनको क्या कहना चाहेंगे आप? हमारे यहाँ सामुदायिक जो ग्राम है, गांव के समस्त लोगों के द्वारा जो हमेशा से प्रयासरत रहा है और बहुत बड़ा सहयोग था कि जो आज हमें यहाँ कामयाबी मिली है कि हम इनकी ब्लास्टिंगों को रुकवा पाए हैं। और इसमें शासन प्रशासन की भी बहुत बड़ी भूमिका रही है, जो भी उन्होंने कानूनी कार्रवाई कर सकते थे उन्होंने करी। और इसी प्रकार से हम सब लोगों, शासन प्रशासन और सामुदायिक रूप से जो ये कदम उठाए गए थे इस रोकथाम के लिए, तो हमें इसी प्रकार से सफलता मिली है। तो इसमें हम सामुदायिक रूप से जो हमारे गांव के सभी ग्रामवासी हैं उनको भी बहुत तहे दिल से धन्यवाद, और शासन प्रशासन ने हमारी बात सुनी और इस पर कानूनी कार्रवाई की, उनको भी हम बहुत दिल से धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमारी इतनी बड़ी समस्या को समाधान करवाई। हमारे गाँव के लोग आए, हम बैठक करे गांव वाले लोगों से कि तुम गांव के सरपंच हो, यहाँ बड़ी बड़ी ब्लास्टिंग होती है, यहाँ कोई ध्यान नहीं है किसी के। बैठक लगवाए, फिर आवेदन तैयार किए, आवेदन तैयार करके हम वहाँ CO साहब को दिए, SDM साहब को दिए, कलेक्टर साहब को दिए, गांव के अच्छे सहयोग मिले हमको, सबके सहयोग से काम ब्लास्टिंग को रोक दिए हैं। 5-6 महीने हो गए, अच्छे सहयोग मिला, इसलिए हमारे गांव के ब्लास्टिंग का काम रुका हुआ है। दादर सिवड़ी गांव में क्रेशर प्लांट लगने से समुदाय के लोग परेशान थे, जिसको लेकर 26 मई 2022 को एक समस्या वीडियो बनाया गया था और बदलाव हेतु प्रयास किया गया। इस बदलाव को लाने में 1.5 साल लगे और निरंजन उटिया लगातार बदलाव के लिए समुदाय के साथ संघर्ष करते रहे। इस बदलाव से यहाँ के 1200 लोगों को फायदा हुआ है। निरंजन उटिया जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि उन्होंने मेरा काफ़ी सहयोग किया बदलाव लाने में। मैं सरोज परस्ते, ग्राम दादर सिवड़ी, विकास खंड ढीमरखेड़ा, जिला कटनी, मध्य प्रदेश से इंडिया अनहर्ड के लिए।